हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले वीडियो का एग्जांपल नंबर 9 छूट गया था, तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है 2 पे पावर x 3 पे इक्वल टू 3 पे पावर y इक्वल टू 6 पे पावर माइनस z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि 2 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर y इक्वल टू 6 पावर z है तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ऑप्शन दिया गया है a में 0, ऑप्शन नंबर b में 1, ऑप्शन नंबर c में -1, ऑप्शन नंबर d में 1/2। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने कहा जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, और अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे कि यहां पर 3 इक्वेशन है, टोटल कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। देखिए दो बार इक्वल, एक इक्वेशन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, लेकिन कब, अभी इसमें से तो दो इसको साथ लेके इक्वेशन बना सकते हैं, तो इन्हीं सब के इक्वल टू मैंने एक कांस्टेंट मानना है हमको। देखिए क्या माना हमने, ए। अच्छा ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि भैया हमें 1/x की वैल्यू, 1/y की वैल्यू, 1/z की वैल्यू चाहिए, और लेकिन यहां पे क्या दिया, 2 पे पावर x, 3 पे पावर y, 6 पे पावर -z। तो मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड फ्री नहीं है, हमें उन्हें फ्री करने के लिए यहाँ पर सब इक्वल टू ए मानना है, ठीक है। इतना हमने लेट किया, तो जब लेट किया तो यहाँ सबको अलग अलग लिख लीजिए, तो 2 पे पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो अब जब x को इधर पावर पे है, इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/x। ऐसे ही y की कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू a पे पावर 1/y, और z वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, a पे पावर 1/-z। क्लियर है, यहाँ मतलब 3 की वैल्यू आ गई, यहाँ 2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 6 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 3। तो 6 की वैल्यू कितनी है, a पे पावर 1/-z, यहाँ पर रख दीजिए। 2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर देखिए 2 की वैल्यू थी a पे पावर 1/x, तो यहाँ पर हमने a पे पावर 1/x रख दिया। इंटू 3 की वैल्यू क्या थी, 3 की वैल्यू थी a पे पावर 1/y, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ देखिए a पे पावर 1/-z, और यहाँ देखिए a पे पावर 1/x इंटू a पे पावर 1/y, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए दोनों साइड में बेस क्या है, a है, तो उनके पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे, ये हमने बताया था आपको। अब यहाँ देखिए 1/-z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x + 1/y। तो भैया -1/-z इधर है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना टोटल की, तो इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कि इनके टोटल का सम कितना आ गया, 0, और 0 किस ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, अब इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन कोई मिले इस तरीके से 3 इक्वेशन वाला, तो आपको एक कांस्टेंट लेट करके वहां पर जो कुछ भी पूछा है उसके हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो 12 के बाद एग्जांपल नंबर हमारा 13 होगा। तो एग्जांपल नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है कि कुछ वैल्यू इस तरीके से एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है कि अंडर रूट में, हाँ, होल के अंडर रूट में आपको क्या दिया गया है, 4 + √15, फिर प्लस, फिर होल के रूट में आपको दिया गया है 4 - √15 माइनस, फिर होल के रूट में आपको दिया गया है 12 - 4√5। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, कहा जा रहा है जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, या एक नेगेटिव इंटीजर होगा, या एक नेचुरल नंबर होगा, या इसमें से जो कुछ तीन बातें दी गई है इनको छोड़कर कुछ और होगा, तो इसमें से कोई नहीं, कुछ ऐसा ऑप्शन हमें दिया गया है। तो ये पहले सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर जो दिया गया है होल के रूट में 4 + √15 दिया गया है, तो हमें इसे क्या करना, पहले रूट से बाहर निकालना है, इस वाले रूट से बाहर निकालना है जो बाहर वाला रूट है, ठीक है। तो इसे बाहर निकालने के लिए इसको पहले हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई क्या चीजें दी गई हैं। तो हमने इसे ब्रेक किया, देखिए 5/2 + 3/2 में, तो इसे ऐड करेंगे, देखिए 8/2 मतलब 4 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब 15 को भी इसी तरीके से ब्रेक करना है, तो 15 को क्या लिखेंगे, 5/2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को देखिएगा, ये तो 15 को पहले हमने ब्रेक किया है कि 5 इंटू और √3 में, 5 इंटू √3 में हमने इसे क्या किया, ब्रेक कर दिया, क्लियर है। जब इसे इसमें ब्रेक किया तो इसके नीचे हमें 2 इंटू भी तो चाहिए था, तो 2 इंटू चाहिए था, तो हमने क्या किया, 2 इंटू किया, तो भाई नीचे अब दो नीचे भी तो डिवाइड 2 करेंगे, अब उसी 2 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, √2 और √2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये बन गया, तो 2 इंटू a इंटू b, ये देखिए क्लियर है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ देखिए 5/2 + 3/2 + 2 √3/2 √5/2। अब इसे हम होल स्क्वायर बदल लें, तो √5/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो √5/√2 का होल स्क्वायर प्लस √3/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3/2 √5/2, क्लियर है। अब यहाँ से बताइए, देखिए a² + b² + 2ab, तो फार्मूला बन गया हमारा a + b² होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5/√2 + √3/√2 होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अभी इस रूट से ये वाला जो रूट लगा हुआ है, अब ये रूट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा इस स्क्वायर से। अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, √5/√2 + √3/√2, कोई दिक्कत यहाँ पर, ये देखिए टोटल ओवरऑल पर ये ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है, ये ओवरऑल पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लियर रहेगा, ये देखिए, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ना, ये रूट बाहर, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए ये आंसर आ गया। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर 4 + √15 था, ऐसे 4 - √15 है, तो यहाँ पर भी भैया 4 - √15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/√2 - √3/√2, क्लियर है। अब इसके बाद नंबर बचा भैया अंडर रूट में 12 - 4√5 की, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को देखते हैं। तो हम इसे यहाँ से क्या किया, 2 को बाहर अंदर कर दिए रूट के साथ, तो अंदर जाएगा 2 क्या हो जाएगा, 4 और 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर रूट लगा हुआ है। अब बताइए, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 10 + 2 - 2 √10 √2 √20 को हम दो पार्ट, भैया एक को हमने लिख दिया कि √10 और एक दूसरे को क्या लिखा √2,
क्लियर है? अब जो ये टेन है, हम टेन को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो टेन है, टेन को हम क्या लिख दे, रूट टेन का होल स्क्वायर, टू को क्या लिख दे, रूट टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट टेन इंटू रूट टू, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होल स्क्वायर बन गया, तो क्या आ गया, तो ये आ गया आपका रूट टेन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, ये रूट लगा हुआ है, अब ये रूट जो है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट टेन माइनस रूट टू, क्लियर है? अब जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया था, क्या एक्सप्रेशन दिया गया था, हमें दिया गया था रूट में फोर प्लस रूट फिफ्टीन, रूट में फोर माइनस रूट फिफ्टीन, रूट में ट्वेल्व माइनस फोर रूट फाइव, ये दिया गया था, अब इन सबकी वैल्यू ला के रख देते थे, इसकी वैल्यू क्या थी, रूट फाइव अपन रूट टू प्लस रूट थ्री अपन रूट टू, और इसकी वैल्यू क्या थी, रूट फाइव अपन रूट टू माइनस रूट थ्री अपन रूट टू, क्लियर है? और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस रूट टेन माइनस रूट टू, ब्रेकेट ओपन कर दीजिए, ब्रेकेट ओपन करेंगे ये सब सारी चीजें देखिए आ गई, इसका साइन बदल जाएगा, टेन ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए जब ब्रेकेट ओपन हुआ तो ये देखिए ये प्लस था ये माइनस था, कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, इतना माइनस टेन प्लस टू, इसे ऐड करोगे भैया तो कितना आ जाएगा, दोनों सेम ही तो हैं, ये दोनों सेम ही तो हैं, तो कितना आ जाएगा टू, हाँ तो टू रूट फाइव अपन रूट टू, ठीक है, जब इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना, टेन आ जाएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा प्लस रूट टू, तो रूट टू इज इरेशनल नंबर, जब हम इसे ऐड करेंगे रूट फाइव अपॉन रूट टू प्लस रूट फाइव अपॉन रूट टू को, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू रूट फाइव अपॉन रूट टू, ठीक है, और नीचे वाला रूट टू से ऊपर वाला रूट टू क्या हो जाएगा, एक टू वाला कैंसिल हो जाएगा, रूट टू आ जाएगा, उसे मल्टीप्लाई के कितना आ जाएगा, माइनस रूट टेन, फिर यहाँ माइनस रूट टेन कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया, रूट टू, ठीक है, और रूट टू हमारा क्या होता है, रूट टू आया आंसर, और रूट टू क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल का ऑप्शन किस ऑप्शन दिया गया था, हमें ऑप्शन नंबर ए में कहा गया था, जो रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, तो हाँ सही बात है कि भाई जो आंसर आया है रूट टू आया, रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि यदि x पे पावर 1 बाई पी y इक्वल टू y पे पावर 1 बाई क्यू इक्वल टू z पे पावर 1 बाई आर एंड x इंटू y इंटू z इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r इज, ऑप्शन दिया गया है a में 0, b में 1, c में माइनस 1 और d में नन ऑफ दिस। तो हमने आपको क्या सिखाया था, हमने कहा था जब भी आपको तीन इक्वेशन वाला इस तरीके से मिले आप उसको क्या लेट कर लेंगे, उसे लेट कर लेंगे कोई एक कांस्टेंट, चाहे k मान लीजिए, चाहे m, a कुछ भी मान लीजिए, हमने यहाँ a मान के रखा है, क्लियर है? जब हमने ये रखा तो यहाँ से हमने सबकी वैल्यू पहले निकालनी शुरू की, किसकी किसकी निकाली, x की निकाली, क्योंकि हमने x पावर 1 अपॉन p इक्वल टू a रखा, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए x की वैल्यू आ गई, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू आ गई, और z की वैल्यू कितनी आ गई, z इक्वल टू a पे पावर r, यहाँ से हमें तीनों इक्वेशन से मिल गया। हमें यहाँ देखिए क्या दिया है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1 दिया है ना, और यहाँ हमें x y z की वैल्यू मिल गई है, तो भाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तभी तो इंटू मिलेगा, तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया इंटू कर दिया, तो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू क्या आ गया, a पे पावर p इंटू a पे पावर q इंटू a पे पावर r। अब बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी थी, यहाँ दिया गया था 1, हमने यहाँ 1 रख दिया, और यहाँ देखिए a पे पावर है भाई, एक मल्टीप्लीकेशन है तो पावर है, तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ये हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ पे देखिए 1 है, और यहाँ क्या है, बेस a है, भैया इधर भी बेस a आएगा तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, तो भैया 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1, क्लियर है? तो हमने 1 की जगह क्या किया, इतना रख दिया, कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ पर एक अलावा बी सी डी कुछ भी होता हम वही रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ बेस इक्वल चाहिए बस, तो यहाँ पर भी बेस ए है, यहाँ पर भी बेस ए है, तो इसका पावर कितना, पी प्लस क्यू प्लस आर, और इसका पावर कितना है 0, अगर बेस इक्वल है हमने बताया था पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 कंपेयर करने के बाद, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, और इसकी वैल्यू हमसे पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पूछी गई थी, तो इस तरीके से 0 किस ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन पसंद आ रहा है हो तो वीडियो को लाइक करते चले। सर्ड एंड इंडाइसेस का और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे कहा जा रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमें दिया गया है और इसमें लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, क्लियर है? सीक्वेंस क्या दिया गया उसको पहले ध्यान से देखिए, जो सीक्वेंस दिया गया 1 रूट 2 3 पे पावर 1 बाई 3 यहां होगा, ठीक है, 4 पे पावर 1 बाई 4 5 पे पावर 1 बाई 5 डॉट डॉट एन पे पावर 1 बाई एन दिया गया है, इसमें से हमें चूज करना है सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, ऑप्शन दिया गया है रूट 2 होगी, क्यूब 3 होगा मतलब 3 पे पावर 1 बाई 3 होगा, 100 पे पावर 100 या 10,000 पे पावर 10,000 होगा। तो इस सीक्वेंस को पहले समझिए, इस सीक्वेंस में दिया क्या गया है, सीक्वेंस में दिया गया है 1 पे पावर 1 बाई 1, क्लियर है, 1 पे पावर 1 बाई 1, ऐसे ही 2 पे पावर 1 बाई 2, 3 पे पावर 1 बाई 3, क्लियर है, 4 पे पावर 1 बाई 4, 5 पे पावर 1 बाई 5, कुछ इस तरीके से सीक्वेंस हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमने कहा सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं, तो 1 के पावर 1 के 1 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 पे पावर 1 बाई 2 वैल्यू क्या होगी, 1.4142 होगी, 3 पे पावर 1 बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, 1.4422, क्लियर है, अच्छा, और 4 पे पावर 1 बाई 4 वैल्यू क्या होगी, 1.4142 होगी, 5 पे पावर क्या होगा, 1.37, 6 क्या होगा, 1.34, 7 पे पावर 1 बाई 7 वैल्यू क्या होगी, 1.32। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे पावर जैसे जैसे हम मतलब संख्याएं बढ़ती जा रही, 7 8 9 10 होता चला जा रहा है, उनको पावर 1 बाई 9 1 बाई 10 लगता जा रहा है, वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम। आगे एग्जांपल देखिए, 51 पे पावर 1 अपॉन 51, इसकी वैल्यू 1.08802 आ गया, देख रहे हैं, अगर 91 पे पावर 1 अपॉन 91 हमने किया कितना है, 1.0508, और भी कम हो गया। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर अब यहां से ध्यान से देखें तो 1 है 1.41
42 है और यहाँ पे आप 1.4422। अब इसके अलावा सारी की सारी वैल्यू इससे क्या है, छोटी है, ठीक है। और यहां से देखेंगे इसके बाद धीरे धीरे सारी वैल्यू छोटी हुई होती चली जा रही है सीक्वेंस में। देखिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड से ही लगेगा, ऐसे ही किया जा सकेगा, इसका कोई और लॉजिक नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहा हूं, अब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जितना बड़ा पावर, जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा पावर, तो वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हम जब 50 पे पावर 1/50 कर रहे हैं तो और छोटी वैल्यू देगी, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन इसके अपोजिट 50 पे पावर 50 होगी तो बड़ी वैल्यू देगी, लेकिन 50 पे पावर 1/50 है तो वो बहुत छोटी वैल्यू देगी, ठीक है। इसका मतलब नेचुरल नंबर है, अगर हम उस पर नेचुरल नंबर पर उसी नंबर का फ्रैक्शन रखते हैं पावर में, तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा और सर्ड इंडाइसेस का सारा वीडियो, सारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद बहुत लोग लागर्थम पढ़ेंगे, अब आगे की वीडियो लागर्थम से रिलेटेड आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।